मेहता का उल्टा चश्मा। अब ये लोग अंदर रहेंगे और हम लोग फुर हो जाएंगे। जमीन के सारे पेपर्स मेरे पास हैं। अब जेठालाल की जमीन भी गई और पैसे भी गए। भोगीलाल जी, भगवान ने भलाई की शुरुआत आपसे कर दी। इन लोगों ने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की ना, अब देखना मैं उल्टा इन पे पुलिस केस ठोक देता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं रॉयल होटल का मालिक भोगीलाल बोल रहा हूँ और इस वक्त मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम? वो पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ वही वही वही। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, गोकुलधाम वासियों ने मुझ पर हमला कर दिया है। What? गोकुलधाम वालों ने तुम पर हमला किया? हाँ। तुम सच बोल रहे हो ना? देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और जरा सा भी झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। हाँ इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, इन लोगों ने मेरे घाट को भी बंदी बना लिया है। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? इंस्पेक्टर साहब यहाँ जो जेठालाल रहता है ना, उसने अपनी जमीन के सौदे के लिए धोखे से मुझे अपने घर बुलाया और मेरे पास से जबरदस्ती पैसे निकलवाने चाहे। खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जेठालाल, उसकी इतनी हिम्मत? हाँ हाँ, उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? और तो और जब मैंने पैसे देने के लिए मना किया तो जेठालाल ने सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया। माय गॉड, ये क्या हो गया गोकुलधाम वालों को? इंस्पेक्टर साहब आप जल्दी आ जाइए, मेरी जान को खतरा है। ओहो रिलैक्स रिलैक्स, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके गोकुलधाम गोकुलधाम। भाई भगवान सबका भला करे, शुरुआत आपसे करे। काम करते बादल में जाते हैं, सोसाइटी में कोई ना कोई होगा, उसको बोलते भोगीलाल को पकड़ के रखो। सोसाइटी में रुकना ठीक नहीं, हम लोग पुलिस आएगी उसके बाद आएंगे। हाँ, जल्दी चलो। भोगीलाल, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। भोगीलाल से पंगा ले रहे थे, अब तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जमीन भी गई और तुम्हारे पैसे भी। अरे कुछ करो यार। मैं अब्दुल को फोन करता हूँ, बोल देता हूँ कि मेन गेट बंद कर दे या कि भागने ना पाए। जल्दी जल्दी। हेलो इसका फोन ही नहीं लग रहा है, नेटवर्क ही नहीं है यार, कुछ करो यार। दरवाजा तोड़ दे। यार रुकना ठीक नहीं, जल्दी चलो चलो। चलिए चाबी, चाबी कहाँ गई? कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं नहीं, मैं जब निकला तो कार की चाबी मैंने जेब में रखी थी। तोड़ी, तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे, तोड़ना ही पड़ेगा। ए बिल्ली मास्टर, कंपाउंड में कोई नहीं है? कोई नहीं चाचा जी, कोई नहीं है। तोड़ो तोड़ो। ए जल्दी कीजिए नहीं तो कोई आ जाएगा। मिल गई मिल गई, जल्दी चलो चलो चलो। वो तू ऐसे आया ना हम पे तो हम जरा बच रहे थे, बाकी कुछ नहीं। सॉरी सॉरी, क्या हुआ? टायर पंचर है। यहाँ के भी दोनों टायर पंचर हैं। ये सोसाइटी में से ही किसी का काम है।
अरे अब क्या करेंगे भोगीलाल जी? करना क्या है, फटाफट चलो भागो, ऐसे कार बाद में ले लेंगे। यारो ये तो बहुत मजबूत दरवाजा है चाचा जी, कहीं ये साग का लकड़ा तो नहीं? हाँ साग का लकड़ा है। साग का लकड़ा? अरे बाप रे, फिर तो बहुत महंगा होता है साग का लकड़ा। आज के जमाने में उसका भाव कम से कम 7 से 8 हजार रुपया घन फुट है। अरे भाई भीड़े, कौन से जमाने में है तू? 7-8 हजार नहीं, 10 हजार से ऊपर का भाव। अरे क्या चर्चा कर रहे हो तुम दोनों, यहाँ मेरे 50 लाख और करोड़ की जमीन फंसी हुई है। 7 हजार 10 हजार, तू दरवाजा तोड़। ताला लगा दिया इन लोगों ने। अरे अब क्या करेंगे, फंस गए। अरे सॉरी भाई, आप थके हो तो साइड पे आ जाओ, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं सुंदर ब्रा, इस दरवाजे को कोई हाथ नहीं लाएगा। इस दरवाजे को सिर्फ मैं तोड़ूंगा, मैं। भोगीलाल अंकल, पीछे कोई पकड़। तो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा छोड़ दो, प्लीज प्लीज छोड़ दो। अरे अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आपकी खातिरदारी करना भी बाकी है और सेवा भी। ये सेवा है? छोड़ो। अंकल कुछ बोला आपने, वो सुनाई नहीं दिया। हाँ बेटा, इन्होंने ये कहा कि हमें छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। अरे जल्दबाजी किस बात की अंकल, जाने देंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो फ्रेंड्स, सबको बता के आते हैं। कहाँ जा रहे हो? हेलो। अरे बेटा छोड़ दो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, केस कर दूंगा। केस कर दूंगा मैं देख लूंगा तुम सबको। हाँ हेलो, देखो बोल छोटी खोला चला जाएगा। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। हाँ करेगा करेगा। टप्पू सेना के होते हुए भाग ही नहीं सकते, हमने इनको बंदी बना कर रखा है। अरे वाह, अच्छा गार्डन में। ऐसे खोलने की ट्राई मत करो, पुलिस हमें ऐसा बंदा देखेगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा। मैं पुलिस से कहूंगा कि इंस्पेक्टर साहब देखिए, देखिए इन लोगों ने मेरे बॉडीगार्ड पे मिर्ची डाली और हमें ऐसे बांधकर हमसे जबरदस्ती पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह भोगीलाल जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इससे तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सोचा करो, लेकिन तुम हो या मैं। बापूजी,
और मोगीलाल क्या हालचाल? मजा आ रहा है ना? ये तो हिल ही नहीं रहा, यही हिल रहा। क्या थी ये ले? छेद जाड़ी चमड़ी नो। हाँ। और नहीं मजा आ रहा है तो अभी मजा दिलाते हैं ढोंगी लाल। क्या बात कर रहे हो सोडी जेठालाल? मजा क्यों नहीं आ रहा भाई? इनकी शक्ल देखो, हमारी मेहमान नवाजी का क्या लुत्फ उठा रहे हैं ये। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। मजा तो मैं तुम सब लोगों को चखाने वाला हूँ। तुम लोग जानते नहीं मुझे बांधकर तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर ली है। ओहो, देखो तो इन मासूम को, खुद ने बंदूक की नोक पे हम सबको बंद कर दिया तो वो गलती नहीं है, और हमने बंद कर दिया तो गलती हो गई। तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी, वाह। देखो ओकेलाल, मैंने बोला था ना, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं यहाँ से जाऊंगा जेठालाल, और तुम सबको सबक सिखा के जाऊंगा। ओहो हो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी किधर जल गया? यार भिड़े ने कहावत बोली, मतलब इनका खेल खत्म हो गया है लेकिन हेकड़ी नहीं गई अभी तक। हेकड़ी तो तुम सबकी जाएगी जब पुलिस यहाँ आएगी। मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया है। अच्छा तो भोगीलाल भाई, तूने ये एक अच्छा काम किया, क्योंकि हम लोग भी पुलिस को बुलाने ही वाले थे, और जब तक पुलिस आती है तब तक चलो हम अपना हिसाब किताब कर लेते हैं। हाँ तो जरा कागज देना तो। अरे कैसे दे पाएगा कागज बेचारा? हाथ मंजे हुए। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ, उसमें क्या? नहीं। क्या? नहीं। चल। ना कर। एक आ गया, दूसरा किधर है? अरे दोनों साथ में ही हैं। दोनों साथ में? अच्छा हाँ हाँ दोनों। थैंक यू पप्पू जी। चलो जमीन के कागज आ गए, एग्रीमेंट भी आ गया, अभी स्थिति तरीके से मेरे 50 लाख भी दे दो, उससे मैं तुम्हारी भलाई है भोगीलाल। जेठालाल तुम मुझे सीधे तरीके से यहाँ से जाने दो, इसमें तुम्हारा नहीं तुम सबका भला है। ए भोगीलाल तुम्हें जाना है ना, एक काम करो, पहले हमारे पैसे दे दो, फिर हम तुम्हें खुद धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। सुंदर, तुमने इन सब के साथ प्लान बना के मुझे फंसाया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ के रखो। अरे भाई तुम्हारे जैसी पार्टी मुझे फिर कब मिलेगी है? अभी तुम सब लोग हंस रहे हो ना, अभी थोड़ी देर में सब लोग रोओगे। अरे जितना रुलाना था वो तुम रुला चुके भोगीलाल। कोरोना का बहाना देके पैसे होने के बावजूद तुमने मुझे पेमेंट नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मेरा बरसों का जमा जमाया धंधा बंद करने की नौबत आ गई। अभी रोने की बारी तुम्हारी है भोगीलाल। भोगीलाल जब तक तुम जेठालाल के पैसे नहीं दोगे हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जेठालाल पैसे तो अब तुम्हें मिलने से रहे। और रही मुझे छोड़ने की बात, तो तुम लोग खुद से मुझे छोड़ोगे। ओ यारो
ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। इसकी तो अच्छी तरीके से ठोक बजा के खातिरदारी करनी पड़ेगी, तभी इसकी अकल निकल आएगी। छोड़ छोड़ो उसे, मारो मारो मारो, रुक क्यों गए? अभी थोड़ी देर में पुलिस आएगी और मुझे यहाँ से छुड़ा कर लेके जाएगी। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बात करो, मैं पुलिस आएगी, तुम्हें छुड़ा के ले जाएगी, लेकिन कहाँ ले जाएगी? सीधा पुलिस स्टेशन। क्योंकि मेरा पेमेंट मुझे ना देके मुझे जो मानसिक परेशानी तुमने जो दी है ना, उसके लिए मैं तुम पे केस करूंगा। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। जेठालाल, तुम्हारे केस करने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे देने से कभी मना किया ही नहीं। उल्टा अब मैं तुम लोगों पे केस करूंगा। तुम लोगों ने मीठी मीठी बात करके मुझे घर बुलाया और मुझे ऐसे बंदी बना के मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश की है। जेठालाल जी, भले ही भोगीलाल जी से तुम्हें उधारी के पैसे लेने हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें इस तरह बंधक बना के डरा धमका के पैसे वसूलते हो ना, तो तुम कानूनी तौर पे मुजरिम हो जाओगे, समझ लो। हाँ, और इस लोकेशन से मेरे मोबाइल से 50 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, तो इस बात का पक्का सबूत हो जाएगा कि तुम लोगों ने मुझे बंदी बना के मुझसे पैसे लिए हैं। सब के सब फंसोगे फिर। हे भगवान, जितना भगवान को याद करना है कर लो, क्योंकि तुम सब लोग अब जेल जाओगे, जेल। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे, क्यों पीके? हाँ भोगीलाल जी। अभी पुलिस आएगी और मुझे डराने धमकाने और बंदी बनाने के जुर्म में तुम सबको पकड़ के ले जाएगी और फिर जेल में जाके तुम सब लोग चक्की पीसोगे, चक्की, और हम लोग बाहर चैन की रोटी खाएंगे। देखना जेठालाल, देखना आगे और क्या क्या होता है। भगवान सबका भला करे, पर इसका कभी ना करे। ओ कुड़ाई जी, अने जवाड़ो जवाड़ो, नहीं तो कुछ उंडी चट्टू ना हो जाए। हाँ, छोड़ दीजिए इनको, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चोरी। बराबर कह रहे हैं, जाने दो इन्हें, नहीं तो हमें जेल जाना पड़ जाएगा। खोल दो इन्हें, हमें जेल नहीं जाना। निकलते मित्रों, बात अब पुलिस के पास पहुंच चुकी है और आप तो जानते हैं पुलिस सबूत देखती है। अब पुलिस के सामने भोगीलाल के झूठ को झूठ साबित करना, ये हमारे लिए बड़ी परीक्षा की बात होगी। हम कैसे कर पाएंगे? और नहीं कर पाए तो, क्योंकि आप कपटी भोगीलाल को जानते हैं, अगर उसने हमें पुलिस के सामने झूठा साबित कर दिया तो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, जमीन भी हाथ से जाएगी और हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी कि समस्याएं तीन तरफा हो सकती है, लेकिन इन तमाम समस्याओं के सामने क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्योंकि इस वक्त हम सभी चिंतित हैं, क्या होने वाला है पुलिस के सामने वो मामला है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.